हमारा केक है ना भाई, इसमें ड्रीम 2.0 भी लिखा है, साथ में हैप्पी दिवाली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भाई आज के दिन के लिए। 2-1 और ये किसी का बर्थडे होता है ना, स्पेशल मोमेंट होती है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो भाई इससे प्यारा देखो मोमेंट नहीं है, तुम मेरे पीछे चेक करो। मेरे को कहीं से नहीं ऐसा लग रहा कि भाई ये ना रैप किया हुआ है, इसमें इतने सारे स्टिकर्स भी लगाए हैं लेकिन फिर भी नहीं लग रहा कि रैप डे बाइक है, ऐसा लग रहा है ना पेंट करके बनाए हुए हैं। भाई ये कौन सा मोटरसाइकिल है? ये RC 390 है भाई। RC 390। स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नई वीडियो में, एंड आज की वीडियो हम आफ्टरनून में शूट कर रहे हैं। सो गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप एकदम से बढ़िया होंगे। सबसे पहले ना मैं तुम सब लोगों को हैप्पी दिवाली विश करना चाहूँगा, तुम्हें भी एंड तुम्हारे पूरे परिवार को भाई लोग, क्योंकि ना ये हमारा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। एंड इसके बाद जो सेकंड खुशी है, हम अपने आज ड्रीम को लाने जा रहे हैं, एंड आज जो फाइनली हमारा ड्रीम हमारे घर वापस आ रहा है। लेफ्ट साइड में मेरा छोटा भाई है, तो लास्ट वाले ब्लॉग में हमने इसको बोला था ना कि एक साइकिल परचेज करके देने वाले हैं, एंड तुमने ना 1.9 के कमेंट्स करी हैं। लास्ट वाले ब्लॉग पे जो शाउट आउट मिला है भाई, वो ना CRS रतुल को मिला है। उन्होंने कहा कि भाई अपने छोटे भाई को Duke 390 लेके दो। भाई अंबानी का बेटा थोड़ी हूँ कि ड्यूक लेके दे दूँ, इतना हो सकता है कि साइकिल लेके दे सकते हैं। 6000 बोले हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस ने तो 2000 हो सकते हैं, थोड़ा कम कैसे हो जाएंगे 6000 बोले भाई? आपने 6000 तो करे नहीं कमेंट, मैंने तो 6 बोले थे ना भाई, इसने भी बोला था 6 करने के लिए। ये भी बहुत एक्साइटेड है कि इसको ना दिवाली पे इसको भी साइकिल मिलने वाला है, एंड हम आज है। हाँ दिवाली आ जाए, ड्रीम लेके आएंगे, फिर उसके बाद ना हम अपने भाई को साइकिल भी लेके देंगे। ओके गाइस, हम निकलते हैं यहाँ से अपने ड्रीम के लिए ना, केक लेके आएंगे क्योंकि ना भाई खुशी की बात है, और साथ में उसमें ना हैप्पी दिवाली भी लिखाएंगे। ठीक है, हाँ वो लिखवाएंगे क्योंकि ना वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा फेस्टिवल इतना बड़ा है ना, आज तो सही लगेगी, अच्छी भाई भाई की। ओके, मैंने फ्रेंड को पहले ही बोला था ना कि केक यहाँ पे बना हुआ नहीं बना हुआ है, भाई देखो भी ना उधर इधर क्या बात है। अभी चलते हैं यहाँ से बिया के पास, देखते हैं कि ना हमारा केक बना हुआ है। तो हमने केक पे जो लिखवाया ना भाई हैप्पी दिवाली एंड साथ में ड्रीम 2.0 दोनों का कॉम्बिनेशन लिखवाया, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी वाली बात है। कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ में थे, ये ना केक को पकड़ेंगे पीछे, आज हमारे साथ गाड़ी भी नहीं है तो बाइक पे ना थोड़ा केक लेना मुश्किल हो जाएगा। तो जो था ना ड्रीम को ना संडे को रिवील करेंगे, लेकिन मेन टेंशन पता क्या हो गई, इतना संडे को भी तैयार नहीं हो पाई हमारी बाइक, तो आज फाइनली हम जा रहे हैं यहाँ से, दिवाली भी सेलिब्रेट करेंगे और साथ में ना ड्रीम की डिलीवरी भी लेंगे। तो अपने स्पेशल मोमेंट पे ना अपने छोटे भाई को भी साथ लाया करूंगा, क्योंकि ना बहुत अच्छा लगेगा। बोला था हेलमेट पहनने के लिए ना, इसने हेलमेट नहीं पहना, कहता ना बहुत बड़ा वेट है उसका, बाइकर ना थोड़ा रिस्क में ही चलता है भाई, तो इसलिए ना हमेशा सेफ्टी के साथ ना हेलमेट पहनना। इस वाले ब्लॉग में तुमसे कहा था ना हम अपने वुल्फ का एग्जॉस्ट चेंज करने वाले हैं, लेकिन आज भाई देखो आवाज सुनो बहुत प्रीमियम लग रही है, क्योंकि ना जो स्लिप ऑन पाइप्स के अंदर से जो बुश है ना भाई, वो हमने चेंज करवाया था। आपको पता है मेरी लाइफ में ना ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा ना, मैं अपने भाई को ना कुछ गिफ्ट कर रहा हूँ, वो भी एक इतना एक्सपेंसिव चीज। ये चीज मैं तुम्हें सच बात बोल रहा हूँ कि मैंने लाइफ में कभी नहीं ऐसा सोचा था भाई कि ना मैं अपने भाई को कुछ गिफ्ट दे पाऊँ, और वो भी कुछ एक्सपेंसिव होने वाला है। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी बाइक के पास, एंड यहाँ पे देखो प्रिपरेशन कैसे हो रहे हैं, हमने ना सारों को एक गुब्बारा दिया हुआ है एंड सारे भर रहे हैं भाई, तो हमारी बाइक यहाँ पे है एंड बहुत सारी खुशी है हमें कि भाई अब हम थोड़ी देर में ना बाइक को रिवील करने वाले हैं। पहले अच्छे से गुब्बारे वगैरह सेट करेंगे, क्योंकि अपनी फैमिली है ना, तो फैमिली के साथ सारी चीजें शेयर करता हूँ मैं। डेकोरेशन भी हो गई है, साथ में बलून वगैरह हमने सारे रेडी कर दिए हैं, जितने भी मेंबर्स हैं ना हमारे दिल के क्लोज थे सारे आ चुके हैं, एंड वैसे मेरा छोटा भाई भी आया हुआ है। पिकी भैया कह रहे हैं कि ना आपका छोटा भाई जो है बाइक को रिवील करेगा, तो ठीक है। और दिवाली के साथ साथ में हमारा जो ड्रीम है ना 2.0 वो घर आ रहा है हमारे, ठीक है भाई। तो इससे बढ़ के खुशी का कोई मोमेंट है भाई? नहीं है ना। तो और साथ में एक बात और, हमारे जो पिक्की भी हैं इनका भी बर्थडे है आज, तो सारे इनको हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे। इस बाइक में जो रैप करने में जो इतना टाइम लगा ना, तो भाई ये बॉर्न इन इंडिया, ये पहली जो ऐसी बाइक हमारे जम्मू से, हमारे जम्मू में जो रैप की है, तो मतलब इस लेवल को कोई काम कर ही नहीं। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली बाइक हमारी जो ना जम्मू से ऐसी निकलेगी जो ना इतनी डिजाइन वाली है एंड इतनी अच्छे परफेक्टली ग्राफिक उस पे बने हुए हैं। ग्राफिक्स के साथ पूरे फुल लोडेड आई, जब रील करेंगे तब पता चलेगा। एक्साइटमेंट अभी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि सीरियसली मैंने भी बाइक अभी अच्छे से नहीं देखी है, तो तुम मेरा फेस का रिएक्शन भी देखने वाले हो कैसा होने वाला है। बहुत ज्यादा नर्वस हूँ अपनी बाइक के लिए, एंड भाई देखो कितने प्यार से देख रहे मुझे यहाँ से कि कब हमारी बाइक जो रिवील होगी ना। पहले जो केक है ना एक भैया ने लाया मेरे लिए, एंड थैंक यू भाई, मतलब तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया ना, मेरे को सीरियसली ये चीज बहुत अच्छी लगी है। हमारा केक है ना भाई, इसमें ड्रीम 2.0 भी लिखा है, साथ में हैप्पी दिवाली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई आज के दिन के लिए, एंड खुशी देखो भाई तुम्हें क्या होने वाली है। तो आराम से करना, 2-1 हमारी बाइक जो रिवील हो गई है, जैसे तुम देख पा रहे हो। बाइक तो दिखाने दो भाई, भाई थोड़ा क्लीन कर देते हैं इसको, अब केक कट करते हैं, और ये किसी का बर्थडे होता है ना, स्पेशल मोमेंट होती है। बर्थडे बॉय,
हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो भाई इससे प्यारा देखो मोमेंट नहीं है, तुम मेरे पीछे चेक करो भाई, हमारा ड्रीम लगा हुआ, ड्रीम 2.0 एंड इसकी जो आगे से लाइट चेक करो भाई, की लगी बाइक ये एक नंबर। मैंने नहीं ऐसा रैप देखा भाई, कैसा लग रहा है भाई? जबरदस्त लग रही है भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये। अब अपने जो ऑडियंस है वो बताएगी आपके कमेंट्स में। हाँ तो देखो भाई लोग, हमारी जो फैमिली है ना, ये देखो तुम भाई, तुम्हारी बाइक जो है ना यहाँ पे लगी हुई है। ये दिवाली के लिए, ये दिवाली के पटाखे है भाई। पहला बाइट है ना ये बर्थडे बॉय के लिए, जो हमारा पिकी भी है। सेकंड जो बाइट खिलाने वाले हैं ना, हम जो अपने आर्टिस्ट को खिलाने वाले हैं। आर्टिस्ट को जरा दिखाएं आप। स्वामी भैया। So, कैसा रोमी भैया फील कर रहे हो? मतलब मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा नर्वस हो। भाई मेरा दिल का अरमान पूरा हो गया भाई, जो मैंने भाई को कमिटमेंट की थी भाई, मैंने जो कमिटमेंट इन्होंने की थी, मैंने इनको बोला था ना मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तो ये आज यही बात बोल रहे हैं कि छोटे भाई को खिलाएंगे, क्योंकि ना ये काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? ये भाई साइड वाली लुक, जो सारे लोग बोल रहे हैं कि साइड वाली लुक ना अच्छी लग रही है। ये देखो डिजाइन भाई, एक एक स्टिकर जो है ना भाई कस्टमाइज करके डिजाइन करा हुआ, मेहनत करी है इस बाइक पे। थैंक यू मेरे लिए तो पिकी भैया बोल रहे हैं तेरे लिए ना ड्रीम 2.0 वाला केक काट रहे हैं। भैया ने भी वैसे इसमें ड्रीम 2.0 लिखा था, लेकिन अभी केक जो है ना खत्म हो गया भाई। सो फाइनली गाइस हम चढ़ रहे हैं अपनी बाइक पे। पूरी बाइक का क्रेडिट है ना जो मैं अभी राइड कर रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ, वो ना इनको जाता भाई, क्योंकि क्लीन स्मूथ बिल्कुल रैपिंग लग रही है, और सारे जो लोगों का रिएक्शन है ना भाई सामने से गजब आ रहा है। थैंक यू रोमी भैया। तो जाके भैया का चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, रोमी मॉडिफाइड इनके चैनल का नाम है। तो इन्होंने मेहनत करी, हमारा ड्रीम को ना रैप करा इन्होंने, तो थैंक यू भाई। तो गाइज अभी मैं अचानक से यहाँ से आ गया, एक्चुअली मुझे ना अपने छोटे भाई को ड्रॉप करना था, वो नानी के घर जा रहे हैं। भाई लोग मेरे साथ आए थे बहुत सारे, तो मैंने इनका ना राइड ही खराब कर दिया आज यार, सॉरी यार। तो भाई लोग घर वालों ने ना अचानक से प्लान बना दिया कि नानी के घर जाना है, तो भाई अब मुझे ना ड्रॉप करना होगा इसको, छोटे भाई को मेरे साथ आया था ना सुबह मॉर्निंग में, तो अभी सिद्रा में वेट कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स, वहाँ गाड़ी में इसको ड्रॉप कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं है, पेरेंट्स है तो भाई बर्दाश्त कर लेंगे, सेलिब्रेशन खराब होगी तो कोई टेंशन नहीं, हम बाइक का लुक अभी थोड़ी देर में तुम्हें दिखाते हैं। मामू की स्विफ्ट है तो लगाओ साइड पे। बस यही थे तेरे दोस्ती मेरे साथ? हाँ देखा भाई कैसे छोड़ के चले गया भाई, और भाई इतनी दोस्ती थी भाई के साथ, भाई वाला रिश्ता भी भूल गया। तो चलो कोई बात नहीं, जाओ आप चलो, छुट्टियां तो है, आऊंगा नानी, आऊंगा पक्का आऊंगा। ओके फाइनली गाइस मामू चले गए यहाँ से बड़ी गौर से देख रहे हैं, क्या सोच रहे हो? अभी नहीं, थोड़ा कलर ग्राफिक करा हुआ है ना, थोड़ी यूनिक लग रही है भाई। फाइनली गाइज मैंने छोटे भाई को ड्रॉप कर दिया मामू के पास, एंड वो ना वहाँ से भदरवा के लिए जाएंगे। अब ना मैं तुम्हें अपना ड्रीम दिखाऊंगा भाई, ड्रीम 2.0। अभी साइड पे लगाते हैं बाइक को अपनी, अच्छे से दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं जब सिटी में था ना भाई, वहाँ ना मैं तुमसे बात नहीं कर पाता हूँ अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना भाई, ऐसी वाली फील आ रही है कि जैसे ना हमारी बाइक मोटो जीपी वाली बाइक बन गई है, थोड़ा ऐसे लुक सीन, मतलब जब मैं इस टाइम लीन मार रहा हूँ ना, अगर मेरे साथ कोई कैमरा वाला साथ होता ना, वो एकदम से सही तरीके से कैप्चर करता उस मोमेंट को, तो एकदम से फ्लैट लग रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ ना, ये नीचे वाली साइड से जो अंडर बैली आती है ना भाई लोग, वो भी हम अपने ड्रीम में लगा देंगे, तो तुम्हें बस अच्छी लगनी चाहिए। तुम्हें कैसा लग रहा है हमारा ड्रीम, तो कमेंट करके बताओ ड्रीम 2.0। एक्चुअली मेरा भाई चले गया ना, तो थोड़ा मैं उदास सा हो गया हूँ, तो तुम मुझे ये चीज़ भी कमेंट करके बताना कि मुझे नानी के घर जाना चाहिए या इधर रहना चाहिए जम्मू में, तो क्योंकि तुम मेरी हमेशा फैमिली हो, दिल के क्लोज हो, तो सारा डिसीजन मैं तुम्हें बोलता हूँ जो भी तुम बोलोगे। तो मम्मा ने मेरे को तो बोला था जाने के लिए, लेकिन मैं अभी गया नहीं, मैंने बोला मेरे को अपनी बाइक रिवील करनी। जो रेड कलर की लाइट है ना, ये कितनी ज़्यादा प्रीमियम दिखती है, इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत सही मैच हो रहा है भाई। ये कौन सा मोटरसाइकिल है? ये RC 390 है भाई। नानी के घर चले गया था, और भाई ना गाड़ी से उतर के ना भाई हमारे साथ मिलने आए, और कह रहे हैं कि हमें आपका बाइक ना बहुत पसंद आया, तो अभी ना फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे,
तो वैसे जिसके पास गाड़ी होती है भाई तो बाइक को देख के कैसा फील होता है उसका ये बता। जो कार वाले होते हैं उनको बाइकर्स को देख के कैसा फील होता है? काफी मैं कह रहा हूँ कार से ज्यादा अच्छी बाइक चलाने में मजा आता है भाई। ये गाड़ी नहीं चाहिए, बड़ा मन करता है ऐसे करने का, बट ये है कि अब हमारी एज थोड़ी ज्यादा हो गई, उस एज में कोई इशू नहीं यार, एज इज जस्ट अ नंबर, तुम कभी भी मस्ती कर सकते हो भाई। बस ना फुल मोटो जीपी वाली मेरे को फील आ रही है, बस मेरे पास ना एक राइडिंग सूट होना चाहिए, मेरे पास बूट्स भी नहीं है राइडिंग वाले, जब मैं बुलाऊंगा एंड इस पे बैठूंगा ड्रीम पे भाई, ड्रीम हमारा ना पूरा रेसिंग बाइक लगेगा। मेरे को कहीं से नहीं ऐसा लग रहा कि भाई ये ना रैप किया हुआ है, इसमें इतने सारे स्टिकर्स भी लगाए हैं लेकिन फिर भी नहीं लग रहा कि रैप डे बाइक है, ऐसा लग रहा है ना पेंट करके बनाए हुए हैं। मेन चीज होती है ना इन स्टिकर में टाइम लगता है, सोचने में टाइम लगता है कौन कहां पे लगाना है ताकि ना बाइक की लुक अच्छी रहे, अगर थोड़ा बहुत स्टिकर में दिक्कत आ जाएगी तो बाइक की ना पूरी लुक खराब हो जाती है, तो इसीलिए ना कॉम्बिनेशन के साथ मैच करे हुए हैं। GoPro का यहाँ पे ब्रांड लगाया है क्योंकि हम व्लॉगिंग करते हैं भाई, ठीक है, तो एक्रोफोबिक का यहाँ पे लगा हुआ है, मोटो जीपी का यहाँ आ गया एंड ड्रीम जो मेन चीज है ना वो यहाँ पे लगाया हुआ है, ये हमारी जान है हमारी शान। कमेंट करके तुम बताना भाई तुम्हें कैसे लग रहे हैं। गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने घर अभी एंड काइली देखो यहाँ पे वेट कर रही है कि कब हमारा गेट खुलेगा, तो अभी हम इसके लिए गेट खोलते हैं भाई, जैसे मैंने तुम्हें बोला था ना कि जब तक नहीं गेट खुलता है हमारा वेट करती रहती है क्योंकि ना अंधेरा हो गया भाई लोग, अभी देखो तुम कैसे आएगी मेरे साथ साथ में, इसलिए मुझे ना इनके साथ इतना ज्यादा प्यार है भाई, इतनी लॉयल है ना भाई। अभी छोटे भाई को साइकिल लेके देना था भाई, अब तो आप नहीं देंगे उसको क्योंकि ना वो मुझे छोड़ के चले गए यहाँ से अब। हाँ नहीं नहीं इसमें नहीं बैठना, ये टूट जाएगा, काउल टूट जाता है, तो मेरी सिस्टर आई हुई थी यहाँ पे, अब मैं बोल रहा हूँ छोटे भाई को हमने साइकिल देना था ना तो उसका साइकिल का प्लान भाई अब कैंसिल कर देंगे, तुम देखो तुम हमें छोड़ के चले गए ना भाई नानी के घर, तो अभी तुम कमेंट करके बताओ, मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना, राइड सेफ राइड हार्ड एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, बाय।